नमस्कार आदाब, आप देख रहे प्रहार टाइम। 26 मार्च को जो एक विशाल रैली निकाली जा रही है ट्रिपल तलाक के खिलाफ, उसी के ताल्लुक से डॉक्टरों की टीम इसके ऊपर काम करी। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे जो रैली निकाली जा रही है उस पर किस तरीके व्यवस्था की। अस्सलाम वालेकुम, मैं बताता हूँ कि कल की महिलाओं की रैली के लिए, खवातीन की रैली के लिए हमने दो कैंप अरेंज किया है। एक कैंप जो है वो शंकर मंदिर के पास रखा हुआ है, जिसमें तकरीबन 20 से 25 डॉक्टर्स रहेंगे, कुछ लेडीज डॉक्टर रहेंगी। दूसरा कैंप जो है वो आरटी ऑफिस के पहले थोड़ा सा जहाँ पे जगह है वहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, जिसमें भी 30 से 35 डॉक्टर्स रहेंगे। और एक टीम के इंचार्ज डॉक्टर आसिफ कोशी साहब हैं, दूसरी कैंप जो है डॉक्टर मुकर्रम साहब के अंडर में रहेगी, और इनके अंडर में तमाम डॉक्टर्स वहाँ पर जो है पूरी खिदमत करेंगे जितनी खिदमत हो सकती है। तकरीबन कितने डॉक्टर्स की एक टीम है आपकी? नहीं देखिए, मुमरा में डॉक्टर्स की तरफ काफ़ी, लेकिन वहाँ पे कम से कम 50 से 60 डॉक्टर एट ए टाइम अवेलेबल रहेंगे, और दो एम्बुलेंस रहेंगी वहाँ पे, दोनों कैंप पे एक एम्बुलेंस रखी रहेंगी और पूरे अपने तमाम सेटअप के साथ रहेंगी। और वहाँ पे हमने जो इंतज़ाम किया है वो सर दर्द के लिए, चक्कर के लिए, जो लोगों को धूप में चक्कर आएगा या कुछ घबराहट वगैरह हो रही तो उसकी दवाएँ अवेलेबल रहेंगी, बीपी इंस्ट्रूमेंट और शुगर चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद ORS का इंतज़ाम, इसलिए कि धूप ज़्यादा है तो लोगों को धूप लगेगी, पसीना आएगा तो घबराहट वगैरह, चक्कर वगैरह या बीपी थोड़ा लो होने के डर रहेंगे, तो उसके लिए ORS का इंतज़ाम किया हमने। और तो तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल रहेंगे शुरू से लेकर आखिर तक इंशाल्लाह, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसको मदद करेंगे। असल में हदीस की रोशनी से अगर हम देखा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत से उसके बारे में हम उनको अपडेट्स करते रहते हैं कि हमारे जो अपडेट्स है ये हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी है और वहाँ से ये चालू हुआ है उस हिसाब से हम उनको दीनी रोशनी में ही उनको बताया करते हैं। काला कानून जो सरकार नाफिस कर रही है, जबरन नाफिस कर रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो है वो मुसलमानों पे भी और इंसानियत पे भी एक जुल्म है, क्योंकि इस्लाम ने जो ट्रिपल तलाक का या तलाक का जो मसला रखा है तो ये एक ऐसा कानून है कि जो कि हमें भी पसंद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन एक सुन में एक हलाल है, एक ऐसा अमल है जो हराम, हराम नहीं हलाल है, और इसकी इस अमल से अभी क्या होता है कि अभी खुदा न खासा किसी को किसी ने तलाक दिया है, नहीं दिया है और नहीं दिया है और ऐसे रखा हुआ है, तो ये ना उनके साथ में है ना किसी से अलग हो सकती है। इस चीज़ को बाइफर्केट करने के लिए कि भैया आप अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारो और ये सामने वाली भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे, तो ये तलाक का मतलब जो है कानून जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बल्कि कुरान में आया है कि दोनों अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, आपस में अगर इख्तलाफ हो गया तो कर सके। तो आज जो हुकूमत जो कर रही है इसमें मदाखलत कर रही है, और हम जो है अपने किसी भी कानून में जो शरई कानून हमारा है उसमें हुकूमत की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये कानून ऐसा कानून है कि जिसमें मदाखलत, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखें तो गैरों की, हिंदुओं की औरतें जो हैं लाखों की तादाद में ऐसी हैं जिनका तलाक नहीं हुआ है, और न उनके शौहर हैं तो एक्सेप्ट नहीं किए हुए, और तलाक ना होने की दूसरी शादी भी नहीं कर सकती, तो बेचारी ना बेवा ही हैं और ना तलाक मुतल्लिका है, तो उस तरह से वो फंसी हुई। तो कुरान में जो है चीज़ को इसलिए ऑप्शन दिया गया है कि मतलब दोनों की ज़िंदगी सुकून से गुजरे, औरतों को पूरा पूरा हक मिले, पूरा पूरा मौका मिले, तो इसके लिए हुकूमत का ये जो रोल है कि भाई हम औरतों की का सपोर्ट करें, बल्कि औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके शौहरों पर जुल्म कर रहे हैं, औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, ताकि और बेरावरी बढ़े और फहाशी बढ़े, और इसी फहाशी को ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने जो कानून लाया है। तो हमारे साथ में हमारे लेडीज डॉक्टर भी वहाँ रहेंगी, और अगर जरूरत जिस किसी की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वो उनको तो करेंगे, हेल्प करेंगी और खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, देखिए हम लोग डॉक्टर हैं और हमारा जो पेशा है बहुत ही मुहज़्ज़ब पेशा है, और हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं समाज से, तो काफ़ी फेथ है लोगों का हमारे ऊपर, ये हम पे जुल्म है, आज कुछ और है कल कुछ और होएगा, और जो कानून जो लोग ला रहे हैं कि भाई तलाक होएगा तो 3 साल जेल में अगर आदमी चला जाएगा तो कंपनसेशन कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से और जो देखभाल करेगी अपने बच्चों की। तो हमारी जो कोशिश रहती है मोटे मोटे पैमाने पर जो हम उनको समझा सकते हैं वो हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, और 15 दिन से क्लिनिक में जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको कंप्लेंट और जितना हम समझा सकते हैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कल की जो रैली है अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है कि बहुत ही शानदार और कामयाब रैली इंशाल्लाह हो। हमने जब डॉक्टर से बात की, उनकी एक टीम पूरी इस रैली के लिए लगी है, 50 से 60 डॉक्टर इस रैली में शामिल रहेंगे, जगह जगह यहाँ पे जो भी रैली में शामिल हुए जो औरतें शामिल होगी उनको कोई अगर कोई ऐसी बात पेश आती है उसके लिए सारा इंतज़ाम है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, ORS का भी इंतज़ाम किया गया, इस तरह मुमरा शहर में एक तारीखी रैली बनाने के लिए यहाँ पे एक डॉक्टर एसोसिएशन की टीम भी यहाँ पे काम कर रही है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, पर हार्ड टाइम्स।